ईगल को आसमान का राजा भी कहा जाता है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि कोई भी शिकार इसकी तेज नजर से बच नहीं सकता, और इसका हमला करने का रफ्तार इतना तेज होता है कि शिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। ऐसे में अगर ईगल की लड़ाई खूंखार पक्षी गिद्ध यानी वल्चर के साथ हो जाए तो इनमें से जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही पक्षी आसमान के सबसे खतरनाक शिकारी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईगल एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेज रफ्तार और अचानक हमले के लिए जाना जाता है। इसके ताकत और मजबूती की बात की जाए तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने वजन से 4 गुना भारी जानवरों को भी हवा में उड़ा सकता है। और अगर बात की जाए गिद्ध यानी वल्चर की तो इनका आकार ईगल के मुकाबले काफी बड़ा होता है, लेकिन इनके चोंच और पंजे ईगल के मुकाबले बहुत ही कमजोर होते हैं और ये हमेशा मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं, जबकि ईगल अपने दम पर खुद शिकार करता है। और अगर ईगल और वल्चर की लड़ाई हो जाती है तो ईगल अपने ज्यादा फुर्ती, नुकीले मजबूत चोंच और अपने तगड़ी हंटिंग स्किल के साथ वल्चर को हरा देगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों में लड़ाई हुई तो जीत किसकी होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।